तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और फाइनली आपके सामने एक माजदा 3 लेके आया हूं, जो कि 2014 का मॉडल है। तो इसका एवापोरेटर कॉइल लीकेज हो चुका है, इसकी वजह से इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा, इसका सब कुछ सिस्टम तो इधर ही दिया हुआ है। बाहर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इधर से साइड से निकल जाएगा, लेकिन बट नहीं निकलेगा साइड से ये। तो देखते हैं इसका कैसे क्या खुलेगा। मैं इसका डैशबोर्ड फर्स्ट टाइम खोलने जा रहा हूँ माजदा 3 का। माजदा 6 का खोल चुका हूँ डैशबोर्ड, और CX-9 का भी खोला हूँ। तो इसका कैसे कैसे मेरे को लग रहा है इसका पूरा अखंडी आएगा, जैसे होंडाई की गाड़ी में आता है सेम उसी तरीके से आएगा। तो चलो देखते हैं इसका किस तरीके से डैशबोर्ड खुलेगा। तो सबसे पहले मैं कंसोल बॉक्स ही खोलना स्टार्ट करूंगा, तो कंसोल बॉक्स खोलने के बाद ही आगे कुछ खोलूंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ आपको क्या क्या लाइट आ रही है। देख पा रहे हैं कोई भी लाइट नहीं आ रही है। ये तो टेम्परेचर का है, जो कि अभी ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, अभी गाड़ी गर्म नहीं हुई इसकी वजह से। और ये एक हैंड ब्रेक का दिखा रहा है, एक सीट बेल्ट का दिखा रहा है, कोई लाइट नहीं है। तो चलो फिर अब इसको गाड़ी करता हूँ बंद और बैटरी वायर निकालता हूँ और खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली बैटरी वायर निकाल चुका हूँ। अब अपने को कंसोल बॉक्स खोलने के लिए सबसे पहले ये चीज़ें खोलना पड़ेगा, ये माइनस स्क्रूड्राइवर से यहाँ से कटाना पड़ेगा अपने को। चलो ये निकल गया, देख पा रहे हैं इजी स्टेप में निकल चुका है। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, उसके बाद अपना ये वाला निकलेगा। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या दिया है। ये चीज है, तो मैं इसको निकालता हूँ ज़रा ये वाला, या फिर इसको यहाँ भी रखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपना काम बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, टेंशन नहीं। तो गियर शिफ्ट करना है अपने को सबसे पहले, तो इसको निकालना चाहते हैं तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो एक हाथ से जम नहीं रहा है, मैं निकालता हूँ इसको। तो फाइनली इसके नीचे दो स्क्रू था, यहाँ पे और यहाँ पे, खोल के इसको अलग कर दिया हूँ और ये निकाल दिया हूँ। तो अब इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, इजी स्टेप में निकल चुका। तो अब अपना इसको निकाल देते हैं, ये निकल चुका। अब उसके बाद क्या है देख लेते हैं, पीछे वाला निकाल देते हैं, ये वाला निकल जाएगा। तो बट इसमें स्क्रू रहेगा, तो ये दो स्क्रू दिया है इधर, तो दोनों स्क्रू निकल चुका है। अब ये बाहर आ जाएगा, पीछे साइड सॉकेट दी हुई है, तो दोनों सॉकेट खोल देता हूँ मैं। तो खोल के इसको, खुल गया, एक क्लिप है यहाँ पे, क्लिप निकालता हूँ मैं माइनस स्क्रूड्राइवर से। इसको पीछे होल्ड करता हूँ निकाल के, तो फाइनली ये निकल चुका। अब इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, क्या हो गया। अब अपने को ये वाला निकालना है, तो ये वाला निकालने के लिए मेरे को इसको खोलना रहेगा पहले, फिर जा करके ये निकलेगा। तो इसको खोलता हूँ, इसको खोलने के लिए तो ये इसको निकाल देता हूँ पहले, फिर इसको निकाल देता हूँ, इसको देख लेता हूँ अंदर कुछ दिया तो नहीं है। माइनस स्क्रूड्राइवर से फ्यूज बॉक्स दिया है यहाँ पे, इसका छुपा हुआ है।
सिगरेट दिया है, 12 नंबर का खोला नहीं, इसकी वजह से निकल नहीं रहा है। प्लास्टिक का फाइबर का बोल्ट रहता है। तो ये निकल चुका, अब ये भी निकल जाएगा, निकल गया। यहाँ देख पा रहे हैं 10 नंबर दिया है, तो ये 10 नंबर खोलता हूँ मैं। तो इधर का मैं खोल दिया हूँ, ये निकल गया है। लेकिन बट पहले अपना जो है ना यही चीज़ें निकलेगा, ये चीज़ें निकलेगा, फिर बाद में वो निकलेगा। तो एक क्लिप यहाँ दिया हुआ है और एक क्लिप यहाँ दिया हुआ है। क्लिप निकालने के बाद इसको खींचेंगे बाहर साइड, ये निकल जाएगा। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ। तो दोनों क्लिप निकाल दिया हूँ और इसका जो है ना साइड में पैनल दिया है। ये वाला सेम स्विफ्ट के जैसा मारुति की गाड़ियों में दिया रहता है ज़्यादा ये चीज़ें। अब उसके बाद ये अपना आगे खींचेंगे, देख पा रहे हैं निकल चुका है। तो अब देख पा रहे हैं फिर ये निकलेगा अपना। तो माइनस स्क्रू लेना है अपने को, इसको यूं उठाना है। ये वाला क्रोम निकल गया इसका, तो ये बाहर आ जाएगा। पहले इसको ही बाहर ले लेता हूँ, देख पा रहे पूरा हिल गया। तो चलो इसको बाहर लेता हूँ मैं। तो फाइनली एक सॉकेट लगी थी इसमें, सॉकेट निकाल चुका हूँ। अब अपने को क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट तो निकालेगा, निकलेगा नहीं है, निकालूंगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना डैशबोर्ड इसका साथ में आ जाना चाहिए, पूरा खंडी आना चाहिए इसका। तो इसको निकाल देता हूँ जब तक के लिए। तो ये भी निकल चुका अपना, इसमें दो सॉकेट लगी है, एक OBD का, बोनेट का, ये सब निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये दोनों सॉकेट निकाल दिया हूँ और इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। तो अब अपने को ये चेक करना है कि साइड से खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले बाहर बोल देखते हैं कि दिया है, एक बाहर दिया है इधर, एक इधर दिया है 12 नंबर। उसके बाद वायरिंग का कनेक्शन देखना, चेक करना है। ये वायरिंग तो डैशबोर्ड में है, तो ये सब सॉकेट, इधर वाली सॉकेट तो नहीं निकलेगा, लेकिन बट ये वाली सॉकेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो निकालूंगा मैं डैशबोर्ड पूरा सेटअप निकालूंगा, तो ये सब सॉकेट खोलना पड़ेगा। एक ये और एक ये, दो और एक ये वाली, दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। तो चलो ये सब निकालता हूँ मैं। तो फाइनली इधर की सब सॉकेट खुल गई। अब ये वाला कवर निकाल देना है, यहाँ पे 12 नंबर दिया हुआ है, तो इस 12 नंबर को लूज़ कर लेता हूँ। तो फाइनली ये बोल्ट खोल दिया हूँ। अब ये तो हार्डली जा रहा है, तो इसको स्क्रूड्राइवर की सहायता से ऊपर कर लेना है। तो ये आ चुका, ये सब सॉकेट निकल चुका इजीली अपना। तो चलो बाहर का 12 नंबर दोनों खोल देता हूँ मैं, ये दोनों। तो फाइनली इधर का तो सब खुल चुका, वायर वेयर सब निकाल चुका हूँ। ये एंगल खोलना पड़ेगा, गियर बॉक्स खोल के बाहर लेता हूँ। चारों बोल्ट खोलना है, चारों बोल्ट खोल के इसको पीछे ले लेता हूँ। तो फाइनली ये निकल चुका, सॉकेट है यहाँ पे। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब अपने को इधर का दो बोल्ट 12 नंबर है खोलना है, तो ये दोनों 12 नंबर खोल देता हूँ। तो उसके बाद फिर इसको खोल देता हूँ मैं।
सेम माइनस स्क्रूड्राइवर से कटाना पड़ेगा मेरे को, कटा के निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालता हूँ मैं, दोनों हाथ की सपोर्ट चाहिए अपने को। तो सेम उस साइड वैसा ही दिया रहेगा। तो फाइनली ये निकल चुका, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। तो साइड सॉकेट रहेगी एक, ये वाली एक, तो निकाल देता हूँ। तो फाइनली अपना पूरा डैशबोर्ड खुल गया है। और यहाँ पे जो है, यहाँ का बोल्ट खोलने के लिए क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट में जो दिया हुआ रहता है ये निकालना पड़ा अपने को, और बाकी कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। इधर आप एक बार वायर चेक कर लेना, वायर कौन सा खोलना पड़ेगा आपको। ये डैशबोर्ड से लगी है तो ये वायर खोलना पड़ेगा अपने को, ये वाली सॉकेट और एक ये मॉड्यूल का सॉकेट। बस यही निकालना पड़ा, ये तो साथ में ही आएगा तो इधर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बाहर चलते हैं बाहर, और ये वायरिंग डैशबोर्ड के साथ है, यहाँ एयर बैग का है तो इसको भी निकालना पड़ेगा अपने को। और बाहर देख लेते हैं बाहर क्या क्या करना पड़े। कॉल पैनल वगैरह पूरा खोलना पड़ा है जी। उसके बाद यहाँ पे एक 10 नंबर है, एक यहाँ पे है हीटर का पाइप, कूलिंग कॉइल का पाइप, दोनों खोलना पड़ा। तो चलो अब अपना डैशबोर्ड निकल जाएगा, डैशबोर्ड निकालते हैं। तो फाइनली इसका डैशबोर्ड निकल गया, एंगल और डैशबोर्ड। क्लाइमेट कंट्रोल इधर ही है, तो क्लाइमेट कंट्रोल खोलने के लिए एक 10 नंबर ये, एक इधर है एक उधर है। उसके बाद नीचे है, तो इसको खोल के बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट भी निकल चुका, देख पा रहे हैं जैसा जैसा बोला था वैसे ही खोल के निकल चुका। और ये रही अपना क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट विथ इवेपोरेटर कॉइल। तो अपने को सबसे पहले हीटर कॉइल निकालना पड़ेगा, हीटर कोर, या फिर इसको ऐसे ऊपर से भी निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा, लेकिन मैं इसको पूरा अलग करूँगा। ये जो पर्सन एक स्क्रू है, एक ये दो, और दो उस साइड रहेगा। तो ये चारों स्क्रू खोलता हूँ, खोल के इसको बाहर निकालता हूँ। ये है इसका हीटर कॉइल, उसके बाद ये स्क्रू खोल दिए, अब ये अपना निकल जाएगा। ये निकल चुका, इसके बाद ये स्क्रू ये सब खोलना पड़ेगा। खोल के ये दो भागों में डिवाइड होगा। तो फाइनली इवेपोरेटर कॉइल निकल चुका, ये रही नया वाला, ये बॉक्स में है। सेम है या अलग है? बिल्कुल सेम ही है। तो चलो इसको फिटिंग कर देता हूँ इसमें। तो फाइनली इसका एक्सपेंशन वाल इसमें लगाना पड़ेगा, इसका सेंसर इसमें लगाना पड़ेगा। ये वाली कॉइल लीकेज हुआ है इधर से, देख पा रहे हैं। तो चलो इसको ट्रे में फिटिंग करके करता हूँ मैं। तो फाइनली ये फिट हो गया, तो चलो अब इसको गाड़ी में फिटिंग कर देते हैं। तो फाइनली क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट भी बैठ चुका, अब डैशबोर्ड डाल देते हैं अंदर। तो फाइनली डैशबोर्ड डल चुकी है, देख पा रहे हैं। तो चलो अब मैं इसको जो चीज़ खोला था वो सब चीज़ें फिटिंग करता हूँ।
तो चलो सब फाइनल फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली लगभग ये सब कुछ तो फिट हो चुका, बस थोड़ा बहुत फिटिंग करना बाकी है। और सबसे पहले बाहर जाके दिखा देता हूँ मैं आपको, प्रेशर मार के रखा हूँ। बाहर का भी ये सब फिटिंग होने को आया है, सिर्फ थोड़ा बहुत बाकी है फिटिंग करना। और प्रेशर मार के रखा हूँ, 300 होल्ड है प्रेशर अभी तक। तो चलो फिर अंदर का सब फिटिंग करता हूँ मैं। तो अब टोटली फाइनली सब फिटिंग करके ही दिखाऊंगा मैं आपको, तो चलो फिटिंग करने लग जाते हैं। तो गाइज फाइनली प्रॉपर तरीके से पूरा डैशबोर्ड फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से पूरा फिट हो गया है। अब चलो बाहर चलते हैं, सबसे पहले देखता हूँ वैक्यूम प्रेशर होल्ड है या नहीं है। तो देख पा रहे हैं प्रेशर होल्ड है, तो अब ये प्रेशर छोड़ देता हूँ मैं। और ये लाइन चेंज कर देता हूँ क्योंकि वैक्यूम में लगाना है अपने को। तो वैक्यूम चालू कर देता हूँ, चालू हो चुका, वैक्यूम हो रहा है, तो वैक्यूम होने देते हैं। इधर का सब प्रॉपर तरीके से सब फिट हो चुका, पाइपलाइन वगैरह सब, हीटर का, एक्सपेंशन वाल के पास का। अब चलो क्लच का कॉल पैनल वगैरह सब फिटिंग हो गया, वाइपर ब्लेड वगैरह सब प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। तो चलो अब मैं बैटरी वायर लगाता हूँ और गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, अंदर से स्टार्ट करके फिर आता हूँ मैं। तो फाइनली अपना वैक्यूम भी कंप्लीट हो चुका, 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। अब मैं इसको गैस चार्जिंग कर लेता हूँ, पहले यहाँ से लाइन खोल देता हूँ, कंप्रेसर बंद कर देता हूँ, यहाँ से लाइन खोल देता हूँ और ये बाटला मैं लगा लेता हूँ। और इसको खोल देता हूँ मैं और सिलेंडर को पलटी मार देता हूँ। तो सिलेंडर भी पलटी मार चुका हूँ, अब चलो अंदर चलते हैं, गाड़ी चालू करता हूँ। तो बैटरी वायर लग चुकी है, पहले इग्निशन ऑन करता हूँ, ऑन हो चुकी, अब गाड़ी चालू करता हूँ। बैटरी डाउन हो चुकी है, गाड़ी चालू नहीं हो रही है, तो मेरे को बैटरी ये करना पड़ेगा ज़रा। तो चलो मैं वो चालू करके आता हूँ। तो गाइस फाइनली गाड़ी चालू हो गई, केबल का मसला था इधर, केबल यहाँ से जो खोले थे ना अपन जिस टाइम, तो ये खोलने के बाद लॉक जो आउट होता है निकलता है, तो ये केबल पीछे चला गया था इसका और उसी पोजीशन में लगा दिया था, तो ये पीछे नहीं आ रहा था, इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो चलो अब मैं गैस चार्जिंग वगैरह करता हूँ। तो फाइनली गैस चार्ज हो रहा है इसमें, सक्शन प्रेशर अभी 40 के ऊपर है और डाउन होगा। खोलो खोलो इसको, बंद करो पूरा। तो चलो गैस चार्ज हो गया है। तो फाइनली PSI प्रेशर 30 पे आ चुका है, कूलिंग वगैरह बराबर हो रहा है, रिटर्न लाइन भी बराबर हो रहा है, सब सही चल रहा है, फैन वगैरह सब बराबर चल रहा है। तो चलो जरा अंदर देखते हैं, तो चलो अंदर चलते हैं, कूलिंग टेम्परेचर वगैरह चेक करता हूँ। तो गाड़ी बराबर तो फिट हो चुकी है, मीटर लाइन लगा दी है, सॉरी थर्मामीटर लगा रहा हूँ मैं इधर, ऑन कर दे रहा हूँ। देखते हैं कितना कूलिंग टेम्परेचर आ रहा है, और मीटर में कोई लाइट वगैरह नहीं आ रही है, सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक का लाइट आ रहा है, बाकी और कोई लाइट नहीं आ रही है। तो गाइज ये गियर बॉक्स का जो केबल खोला था ना, वहाँ से थोड़ा पीपे जा नहीं पा रहा था ना, इसकी वजह से गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। मुझे लगा बैटरी डाउन है, बैटरी डाउन नहीं था, वो
पीपे जब तक नहीं जाएगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा एक बार बंद होने के बाद। तो देख पा रहे 6.3 6.5, अब ब्लोअर की स्पीड कम कर दे रहा हूँ मैं। फाइव पॉइंट सेवन पे आके ट्रिप मार रहा है कंप्रेसर, बाकी सब कूलिंग बराबर हो रहा है। तो गाइज मैं किस तरीके से इस गाड़ी का डैशबोर्ड खोल के आपको दिखाया कि क्या क्या खोलना पड़ा मेरे को और किस तरीके से खोला, थोड़ा ये वीडियो जो बनाया हूँ ना मैं थोड़ा घाई घाई में, मैंने अर्जेंट वीडियो बहुत फास्ट किया हूँ, डिटेली मैं पूरा बताया नहीं हूँ, लेकिन बट जो जो चीज़ें खोलना था वो सब चीज़ें मैं खोल के आपको दिखा दिया हूँ किस तरीके से खोला गया क्या क्या खोला गया। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप देखो और कुछ ना कुछ सीख के जाओ बस। और गाइज मेरे चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा बन रहा है, लास्ट में एक कमेंट करेंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो अच्छा बन रहा है तो अच्छा कमेंट करो, अगर नहीं बन रहा है वीडियो अच्छा तो भी कमेंट करो कि भाई आपका वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, आप प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहे हो, तो फिर मैं उस चीज़ पर काम करूँगा। जब तक मेरा नुस्ख मेरे को सामने नज़र नहीं आएगा अब तक फिर मैं उस पर एक्शन नहीं लूँगा, बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ की गाड़ियाँ देखें और यहाँ की गाड़ियों में किस तरीके से काम होता है वो चीज़ें देखें आप। तो बस मैं यही चीज़ें चाहता हूँ कि आप जो इंटरेस्टेड हो ना जो भाई ऑटोमोबाइल लाइन से, वही मेरे को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वैसे लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उल्टा सीधा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है और उल्टा सीधा करते ही हैं। इस वजह से बोल रहा हूँ जो इंटरेस्टेड हो वही लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करे, बाकी कोई बंदा अगर जो इंटरेस्टेड नहीं हो तो उसको तो समझ में आएगा ही नहीं पहले जो, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं है वो बंदा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इस वजह से बोल रहा हूँ। तो चलो ये गाड़ी का काम प्रॉपर तरीके से फिनिश हो चुका और गाइज आप सपोर्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा और बाकी कुछ नहीं। तो चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन।